any outage on this platform, it disrupts the business and 24/7 operations of many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage. और 12:20 पे बोल रहे हैं कैंसिल हो गई। हाँ, किस कहाँ की मतलब फ्लाइट थी? कोल्हापुर की फ्लाइट। कोल्हापुर की तो कैंसिल, क्या किस वजह से कैंसिल हुई है? ये टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारे को कुछ मालूम नहीं बोलते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम बस, अब फ्लाइट कैंसिल हो गई है, बाकी कुछ मत बोलो बोलते हैं। Even at work, we are all impacted with this outage today morning. What happened? What kind of issues are you facing? Our laptops are not to be switched on at all. But the issues in the airport is, I think, the Digi Yatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues now. I think it's going to take me at least 45 minutes, 1 hour to get into the airport. I don't know how long the security is going to take. And right now, I'm not even sure of the impact on the timings of the flight as well. देखिए, ये तो पूरे विश्व में ग्लिच का असर हो रहा है और लगभग दुनिया के सभी एयरपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी कड़ी में कांगड़ा एयरपोर्ट पे भी उसका असर देखने को मिला है और एयरलाइंस जो है उसको बोर्डिंग पासेस वगैरह जारी नहीं कर पा रही थी सिस्टम के थ्रू, तो इस तरीके के असर यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसका अल्टरनेट यही है कि पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए हमने इसे मैन्युअली यहाँ पे एयरलाइंस ने बोर्डिंग पासेस इशू किए हैं और एयरलाइंस के स्टाफ ने बड़ी तत्परता से यह काम किया, बड़ी कर्मठता से पुलिस विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मिलकर सभी एजेंसियों ने इसमें काम किया और इसे बड़ी स्मूथली जो है पैसेंजर्स को कोई परेशानी नहीं होने दी और इसी वजह से यहाँ पे सभी फ्लाइटों में, किसी भी फ्लाइट में इसकी वजह से कोई देरी नहीं होगी। सभी फ्लाइट्स यहाँ पे नॉर्मल थी और इस ग्लिच की वजह से किसी भी एयरलाइंस को कोई परेशानी यहाँ पे इस तरीके की देरी हो या पैसेंजर को कोई और परेशानी हो वो नहीं हुई, सिर्फ मैनुअली बोर्डिंग पास इशू किए गए। तो अभी तक जो आपकी बातचीत हो रही है अपने अथॉरिटीज से, क्या सोल्यूशन इसका देख रहे हैं? अभी तक तो क्योंकि अभी शुरू ही है तो सभी लोग इसके तह तक जा रहे हैं और इसका कारण तलाशे जा रहे हैं और इसको कैसे इस ग्लिच से निपटा जा सकता है इस बारे में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। चिंता बढ़ रही है? चिंता तो निश्चित तौर पर होती है क्योंकि इस तरीके के जब साइबर अटैक्स आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया जो है कहीं ना कहीं आईटी बेस्ड हो गई है और हम सब आईटी पर डिपेंडेंट हैं, तो चिंता निश्चित तौर पर होती है क्योंकि इस तरीके के अगर कोई आगे और बड़े कुछ इस स्तर पर कुछ होता है तो फिर शायद चिंताएं हमें और ज्यादा होगी। बट सभी लोग जो हैं एविएशन फील्ड में खासकर इस तरीके के अटैक्स के लिए हालांकि काफी तैयारी होती है और शायद इसी की वजह से हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बट
पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही हैं। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें, और हम सभी लोग डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हॉरिफाइंग स्टोरीज ऑनलाइन, इट इज सर्टनली समथिंग दैट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न, बिकॉज नंबर वन, माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड द माइक्रोसॉफ्ट सूट is used by millions of Indians, small businesses, big businesses, individual users, hospitals, and therefore any outage on this platform, it disrupts the business and 24/7 operations of many, many companies, and like I said, many individuals and small businesses. So I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this is never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. Sir, including flights, they are also... Yes, it is. There is no doubt that whether you're a patient in a hospital or you're, you're working a small business or you are a passenger on an airline that depends on these platforms, today will be a day where you will see a lot of disruption, panic, chaos, because so many companies and so many businesses and so many users depend on this platform. And my request is not to panic. There is no way out of this chaos. It is for Microsoft to build it back, to restore the service, and we need to be patient. Microsoft is a large company, a very credible company. What the reasons for this outage are, they will have to explain in the coming days. But in meanwhile, I will appeal as an individual that we should not panic. The government of India is certainly going to be, I'm very confident, engage with Microsoft to ensure that they restore their services back at the earliest. Sir, as many flights services, they are tweeting continuously. What do you think? How do you think that Microsoft, how quickly they will resolve such? I cannot comment on that, but what I am reading, online and I'm seeing their tweets that they are trying to, they have admitted that there is a degrading of their service, and that they are also saying that they are slowly and systematically restoring it. As somebody who's been in technology for some decades now, I can tell you a complex system like this, when it crashes, it needs to come back online through a very series of very, very steady steps. And it is not like switching on and off a switch. So there is a process by which they will bring this system back online. It will. I'm pretty sure that it will take some time, and that Microsoft, as a credible company, as a company that is doing a lot of work in India, will certainly do this eventually. But what has caused it, and in the coming days, what steps they will take, and other platforms like them will take to make sure there is never such a disruption in the future, is certainly something that I look forward to have. मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे एक एपिसोड है। मैंने मेरे 30 साल के टेक्नोलॉजी के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसा एक ग्लोबल आउटेज। मैंने देखा है कि कभी कभी गूगल आउट होता है, या ट्विटर आउट होता है, या फेसबुक कभी कभी डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पर बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे यूजर्स, उनके 24/7 उनके दिन की काम के लिए वो डिपेंड करते हैं, उसका ऐसे आउटेज मैंने कभी नहीं देखा। और मैं मानता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पूरा यकीन है कि सरकार, हमारे भारत सरकार
उनके साथ संपर्क में हैं और माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसको वापस ऑनलाइन लेकर आएगा। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ अपने उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में शुरू है, उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं मैनुअल रूप से, उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है, अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता, हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी एसएस कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी तरफ से? नहीं नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई कहते उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर अपने यहाँ से रेगुलर कितनी पर डे? हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पर डे लगभग 37 मूवमेंट है, 36-37 मूवमेंट के आसपास भोपाल में रहते हैं, और उसमें अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते थे उनके वो सारे मैनुअल हो रहे हैं, तो उसमें जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पर होस्ट नहीं है, एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है, इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इशू है, वो जल्दी वो अपना अगर डीसी में प्रॉब्लम है डीआर में होस्ट कर लेंगे, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। इट इज़ इम्पैक्टिंग पब्लिक, इट इज़ इम्पैक्टिंग प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ इम्पैक्टिंग गवर्नमेंट एंड मैनी अदर सेक्टर्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन दीज प्रोडक्ट्स। And basically, Microsoft is a US company, but most of the Indians are working there. And in India also, they have many offices. So it is impacting in India in all the aspects. And sir, what the other option? There are two things which requires to be done. The first thing is, as per the Public Records Act, Section 4, government data must be in India. And that has been mandated as per the Delhi High Court order in K.N. Govindachar matter in 2014. So government has to ensure, and that will prosper our economy by way of data nationalization and data localization. So how the government data can be safeguarded so that in future any such disruption cannot impact the government data. Now the second most important aspect is there are three rules which were made as per the IT Act in 2009. So as per those three rules, these companies which are mainly headquartered in US and Europe, so those companies are mandated to appoint the designated officers. So whenever any disruption is there, whenever government want to coordinate with them, so those designated officers' details are to be in public domain so that government agencies and the government departments, whether it is state government or the central government or the intelligence agencies, they can interact with them so that such inconvenience can be stopped and government data and the government communication, which are the functions of the sovereignty and to ensure the national security. Such type of safeguards are necessary. These are mandated in the laws and these are endorsed by the High Court and other judicial authorities. सर माइक्रोसॉफ्ट लगभग काम करना बंद कर दिया है, ये भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है सर, कैसे करेगा? देखिए टेक्नोलॉजी में इस तरीके के व्यवधान हमेशा उत्पन्न होते हैं और ये एक जिस तरीके से एक बाढ़ सूखा होता है इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती हैं, और इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को दो तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है, पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में, क्योंकि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार के मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिहाज से सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर भारत सरकार को पूर्ण कह सकते हैं क्रिस्टल टाइम में क्या करना चाहिए?
इस पूरे घटनाक्रम के दो महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला महत्वपूर्ण सबक ये है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जो गवर्नमेंट डेटा है, जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है, इस पब्लिक रिकॉर्ड्स को भारत में रखना जरूरी है। इसके लिए नेशनल ईमेल पॉलिसी बनी थी और इसके लिए सरकार के एफिडेविट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने के एन गोविंदाचार्य मैटर में 2014 में आदेश पारित किया था। तो हमें ये देखना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसलिए हमें उस जो नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए जिससे भारत सरकार का विभिन्न विभागों का डेटा भारत में ही रहे और हम भारत की सर्विसेज का इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह के संकट आएँ तो हम इन कंपनियों के किन लोगों से हमको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इसके लिए दो तरीके के नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब जनता को कोई तकलीफ हो तो शिकायत अधिकारी के साथ संपर्क कर सकती है, जिसके लिए आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2021 में प्रावधान है। जब सरकार को कोई तकलीफ हो तो सरकार 2009 में 3 नियम बने थे, उन 3 नियमों के अनुसार सरकार इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनका खुलासा होने से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है और सरकारी विभाग हैं, उनको आसानी हो सकती है, जिससे कि किसी भी तरीके के संकट या व्यवधान की स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों के साथ सरकार सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके और देश की सुरक्षा और जो सार्वभौमिकता सॉवरेंटी है उसकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें। Well, I see this entire episode not as a normal incident. I see that specifically as a kind of a cyber incident that's shaken up the collective conscience of humanity as a whole. Well, we have been all thinking that internet is invincible, that we will continue to keep on taking internet for granted and that nothing is going to happen. Well, let's now be prepared that episodes like these will keep on happening again and again. And now with the advent of artificial intelligence, which is being resorted to by cyber criminals to go ahead and deal with cyber security breaches and their propagation, I think governments of the world have far bigger challenges as we go forward. I see this entire episode also potentially not just as a mere cyber security breach incident. I also see it potentially as a manifestation of cyber terror. Why? Because the main purpose of this entire exercise at a global level is to ensure that there is terror and panic in the minds of the users, and in that particular regard, a lot of work needs to be done. And sir, what is the other option? Well, the other option is right now we just have to investigate and find out how much time will it take to come back to normalcy. We'll have to look at more investigations. Different countries are now huddling together to find out what should be the approaches. Countries have taken cognizance. The government of India has taken cognizance of this. Australian government is in an emergency meeting. So I think currently everybody is in an emergency response mode. Well, that will be important for us to come back to normalcy. But more significantly, we have to see what are the learnings that we are learning from this particular episode and what can we do so as to prevent the that these kinds of episodes don't happen again and again. How this is Well, I think this kind of an episode is affecting India in distinctive ways. Well, airlines are getting impacted. Their systems are not working. Hospitals are getting impacted. Patients are not able to get access to critical health care. So much so, television channels and their broadcasts are getting impacted. These are some of the documented cases. I see almost in the entire corporate India where systems are not able to work together. The operations of corporate India are getting impacted. So it could have an impact upon the nation, upon the national economy, and upon the confidence and the morale of the digital stakeholders. In this crucial time, what Indian government should do? Because meetings are taking place in other countries. Well, the government of India is very, very proactive in its approaches. Currently, they are looking at into this entire issue. They have taken cognizance of this entire episode. That's what the public domain tells us. But I think India needs to do far more. The government of India now immediately needs to investigate this. The government of India also needs to make the service providers more accountable in terms of what did they do to prevent this kind of a misuse or an abuse. And they need to elaborate specific now guidelines and rules under Section 79, read with Section 87 of the Information Technology Act 2000. The government also now needs to come up with a dedicated national cyber security law so that these kind of episodes, once they happen, all stakeholders should have substantial clarity as to be what should be their rights
rights, duties and obligations in scenarios like this. I think the government of India needs to come up with cyber resilience legal frameworks which can promote more cyber resilience and ultimately creating more capacity building awareness about cyber security and its ramifications is going to be one of the key thrust areas for the government. आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं, उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है, लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरे तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे, कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है, भारत इसमें अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है, सर दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदाही मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार जितनी जल्दी अब रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी, धारा 87 रेड विद धारा 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उतना अच्छा होगा। आवश्यकता है केंद्रीय सरकार जितने डिजिटल यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें संबोधित करे और बताए कि साहब अब इस तरह की घटना घटित हुई है, आप कृपया ये कदम उठाइए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो सके, आपके डेटा को कम से कम नुकसान हो सके। और आने वाले समय में न केवल भारत को आवश्यकता है कि आप एक समर्पित कानून लेकर आए जो साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित हो, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी अत्यंत आवश्यकता हो गई है। लोग अब ये ना समझें कि साहब हम साइबर सुरक्षा पर लिप सर्विस देंगे तो काम चल जाएगा, लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं, सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। On these cases, right now the all our world has been changed to the digital era. So in this regard, we are totally dependent upon the servers that we have provided to the Microsoft, Google and so on. So what I feel is that was a complete crash for our society itself. What even our society is going to the digital era, like innovations like artificial intelligence have been came to our life. So it will like we have completely changed from the manual to the complete automated solutions right now. So what we have to do is to maintain that manual systems even before coming into the system, so we could only survive this crashes like so now the main issue was like that the system has been changed to the digital era, so we are just facing like if they are trying to make us to crash on this situations like this, we will definitely go into a fed like this.
That's the view.